स्पाइन फ्रैक्चर यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट, इसका प्रमुख कारण रोट्रोपिक एक्सीडेंट या फॉल फ्रॉम हाइट यानी ऊंचाई से गिरना है। इसके अलावा ओल्ड एज में घर पे नॉर्मल स्लिप होकर गिरने से भी हो सकता है। इसमें पेशेंट्स को गर्दन दर्द, कमर दर्द हो सकता है और इसके अलावा पेशेंट को सीवियर केसेज में लकवा भी हो सकता है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया हो या वो ऊंचाई से गिर गया हो और वो अगर पेशेंट कमर दर्द या गर्दन दर्द की कंप्लेंट कर रहा हो तो उसको हमेशा हार्ड बोर्ड पे शिफ्ट करना चाहिए। पेशेंट को हाथों या पैरों से पकड़ के उठाना नहीं चाहिए, उसको हार्ड बोर्ड के द्वारा शिफ्ट करना चाहिए, फिर मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए। हमारे पास पेशेंट हॉस्पिटल में आने के बाद हम उसको प्रॉपर क्लिनिकली इवैल्यूएशन करके देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका इन्वेस्टिगेशन से एक्सरे MRI करवा के देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट जिसमें फ्रैक्चर्स माइनर होता है उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है, जिसमें कि बेड रेस्ट या स्पाइन ब्रासेस और फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनमें फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा सीवियर होता है या साथ में कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट होता है यानी कि कुछ लकवा होता है, तो उन मोस्ट ऑफ पेशेंट्स को ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है।